इन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को दशहरे से पहले मिला बड़ा तोहफा, हजारों रुपए का मिलेगा बोनस। इंडियन रेलवेज ने 12 लाख कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उनके 78 दिन के बोनस का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद भी इंडियन रेलवेज ने 78 दिनों का बोनस देने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था। केंद्रीय कैबिनेट ने उसे मंजूर कर लिया है और इस फैसले के बाद रेल कर्मचारियों को बोनस के तौर पर लगभग 17,950 रुपये का बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और कि यहां पर 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा और इसमें इंडियन रेलवे के सभी कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन आरपीएफ और आरपीएसएफ के जवानों को सेपरेट बोनस का आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी अच्छा यह आदेश जारी किया गया है रेलवे मंत्रालय के द्वारा और अब यहाँ पर रेलवे के जो नॉन गजेटेड कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर 78 दिनों के वेतन के बराबर लगभग 17,950 रुपये का बोनस दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ये कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।